नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 17 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने निकाली 2000 पीओ की भर्तियां। बैंक में नौकरी की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अहम सूचना। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना आधिकारिक बयान जारी करते हुए 2000 पीओ की भर्तियां निकाली है। एसबीआई पीओ भर्ती 2020 के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार बैंक के आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर 4 दिसंबर 2020 से पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन को प्रिंट करने के लिए आखिरी तारीख 19 दिसंबर 2020 रहेगी। इस भर्ती के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रारंभिक परीक्षा आयोजन 31 दिसंबर 2020, 2, 4 और 5 जनवरी 2021 को ऑनलाइन किया जाएगा। इन पदों के लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को बैंक पीओ के लिए आवेदन करने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक डिग्री पास होना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री समेत 15 मंत्रियों ने ली शपथ। बिहार विधानसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत मिलने के बाद एनडीए ने बिहार में सरकार का गठन कर लिया है। वहीं राज्यपाल फागू चौहान के मौजूदगी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण किया। सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही नहीं बल्कि उनके साथ 15 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ले लिया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री के पद पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने भी शपथ ले लिया है। वहीं इसके अलावा मंगल पांडे, अमृत प्रताप सिंह, जीवेश मिश्रा, रामसूरत रॉय, रामप्रीत पासवान, जनता दल यूनाइटेड कोटे से विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, मेवाल लाल चौधरी और शिला मंडल, पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन हम कोटे से और विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहरी ने शपथ ग्रहण कर लिया है। बिहार के जमुई जिले के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। 16 मार्च 1983 को स्थापित इस संग्रहालय का नाम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता चंद्रशेखर सिंह के नाम पर पड़ा। वो 1983 से 85 तक बिहार में मुख्यमंत्री थे। संग्रहालय में महान पुरातत्वीय महत्व के पुराने पत्थर और 178 मूल्यवान वस्तुएं संग्रहित है। यह संग्रहालय पालकालीन कलाकृतियों के संग्रह के लिए प्रसिद्ध है। देश विदेश के दर्शक, शोधकर्ता एवं विद्वान यहां संग्रहित पालकालीन कलाकृतियों को देखने और उसका अध्ययन करने आते हैं। चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय जमुई में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 12वीं शताब्दी ईसा तक की पाषाण मूर्तियां प्रदर्शित है। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या मिली 500 के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के पिछले 24 घंटे में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में कुल मिलाकर 517 मरीजों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 227,433 पर पहुंच गई है। वहीं सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो राजधानी पटना में 181 नए मामलों की पुष्टि की गई है। वहीं सहरसा में 35 नए मामले सामने आए हैं। उप मुख्यमंत्री के पद पर तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी ने ली शपथ। नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के बाद बिहार के दो उप मुख्यमंत्री ने राज्यपाल फागू चौहान की उपस्थिति में अपना शपथ ग्रहण कर लिया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार के इतिहास में पहली बार किसी महिला को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही आपको यह भी बता दें, बिहार में उप मुख्यमंत्री पद की कुर्सी सुशील मोदी संभालते आ रहे थे। हालांकि इस बार बदलाव करते हुए तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी इस पद को संभालने वाले हैं। पटना के 22 घाटों को लेकर प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। दिवाली के बाद छठ पूजा की तैयारी के बीच पटना प्रशासन की तरफ से अनुपयोगी और लाल निशान वाले घाटों को चिन्हित कर दिया गया है, जिसके तहत प्रशासन ने पटना जिला प्रशासन के मुताबिक बुद्ध घाट, अदालत घाट, मिश्री घाट, टीएन बैनर्जी घाट, जजेस घाट, वंशी घाट, जहाज घाट, अंटा घाट, सिपाही घाट, बीएन कॉलेज घाट, बालू घाट, खाजेकला घाट, पत्थर घाट, अदरक घाट, रिकाबगंज घाट, पीर मदरिया घाट, नंदगोला घाट, नुरुद्दीन घाट, बुंदेल टोली घाट, दमराही घाट, केशव राय घाट और बांस घाट को लाल निशान से ऊपर का और अनुपयोगी घोषित किया है। इन घाटों को छठ पूजा के लिए पूर्णतः बंद किया गया है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे श्वेता बासु प्रसाद की। श्वेता का जन्म 11 जनवरी 1991 में अखंड बिहार के जमशेदपुर जिले में हुआ था, जो कि अब झारखंड का हिस्सा है। श्वेता ने फिल्मों में काम करना बचपन से ही शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, श्वेता ने हिंदी फिल्मों के अलावा बंगाली, तेलुगु और तमिल की फिल्मों में भी काम किया है। यहां तक कि श्वेता को फिल्म मकरी में उनकी शानदार परफॉर्मेंस के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और यही वो फिल्म है जिसमें श्वेता ने अपने अभिनय की और साथ ही साथ बॉलीवुड करियर की शुरुआत की थी। बॉलीवुड के साथ साथ श्वेता ने कई टीवी सीरीज में भी काम किया हुआ है। यूपीएससी सीडीएस परीक्षा के लिए आज आवेदन हो जाएंगे समाप्त।
यूपीएससी सीडीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आज समाप्त हो जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार यूपीएससी एप्लीकेशन के पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी सीडीएस 2021 के नोटिफिकेशन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर जारी कर दी गई है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, यूपीएससी सीडीएस के लिए आर्मी नेवी एयरफोर्स में कुल मिलाकर 345 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। साथ ही उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए संबंधित अकेडमी में भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी नीतीश कुमार को बधाई। बीते दिन नीतीश कुमार ने बिहार के 37वें मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए नीतीश कुमार समेत सभी 15 मंत्रियों को बधाई दी है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के विकास के लिए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया है। इसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा कि बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर मैं नीतीश कुमार को बधाई देता हूं। मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने बिहार सरकार के मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार के विकास के लिए एनडीए परिवार एक साथ मिलकर काम करेगा। बिहार की उन्नति के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद के लिए आश्वस्त करता हूं। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज है। 1525 में भारत को जिताने के मकसद से बाबर ने सिंध के रास्ते पांचवी बार यहां प्रवेश किया था। 1928 में स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने दुनिया को आज ही के दिन अलविदा कह दिया था। 1966 में भारत की रीता फारिया ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। मिस वर्ल्ड बनने वाली वो पहली एशियाई महिला थी। 2012 में शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। वहीं 1960 में भारत की महिला लेखिका अलका सरावगी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। राजधानी पटना में कोरोना के बीच जू में महापर्व छठ पूजा की शुरू हुई तैयारी। राजधानी पटना में महापर्व छठ को लेकर पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में भी तैयारियां जोर शोर से जारी है, जो इसके बाद बीते दिन से पटना जू के झील की साफ सफाई शुरू करवा दी गई है। झील के कुछ हिस्सों को छोड़कर चारों ओर बांस और बल्ले से बैरिकेडिंग की जा रही है और बैरिकेडिंग के बीच की दूरी लगभग 10 से 12 फीट की होगी। बैरिकेडिंग के पास लगभग 3.5 से 4 फीट की गहराई है। जू प्रबंधन का कहना है कि जिस तेजी से काम चल रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि खरना तक काम पूरा हो जाएगा। अगले साल की बिजली दर तय करने के लिए कंपनी ने मांगी मोहलत। बिहार विद्युत विनियामक आयोग से अगले साल की बिजली दर तय करने के लिए कंपनी ने समय की मांग की है, जिसके तहत कंपनी ने दिसंबर में याचिका दायर करने की अनुमति आयोग से मांगी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, कंपनी की तरफ से हर साल अमूमन 15 नवंबर को ही याचिका दायर की जाती थी, लेकिन कोरोना काल और चुनावी कार्य के कारण इस बार कंपनी याचिका तैयार नहीं कर सकी, जिसकी वजह से कंपनी ने विनियामक आयोग से लिखित अनुमति मांगी है कि उसे याचिका दायर करने के लिए मोहलत दी जाए। हालांकि आयोग ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। आयोग ने यह प्रस्ताव अभी विचाराधीन है। अगले साल मार्च से मई के बीच करवाए जाएंगे पंचायत चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अब अगले साल पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे, जिसके लिए अगले महीने से मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही अगले साल मार्च से लेकर मई के बीच में चुनाव करवाए जाएंगे। इसको ध्यान में रखकर चुनाव आयोग ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें, कोरोना के माहौल में बिहार में यह दूसरा चुनाव होगा। पिछला पंचायत चुनाव साल 2016 में करवाया गया था। राज्य निर्वाचन आयोग के मुताबिक पिछले चुनाव का कार्यकाल अगले साल जून में समाप्त होगा। इसको लेकर अभी से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। इस बार चुनाव को 10 चरणों में करवाया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए नहीं मिला कांग्रेस और लोजपा को न्योता। बिहार सरकार का गठन बीते दिन लगभग हो चुका है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बिहार की कमान संभाल ली है, जिसके तहत उन्होंने बीते दिन बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण कर लिया है। जहां एक तरफ शपथ ग्रहण समारोह में राजद समेत कई दलों को न्योता भेजा गया था, मगर सरकार ने लोजपा और कांग्रेस को इसमें शामिल करने का कोई न्योता नहीं भेजा। कांग्रेस और लोजपा से आधिकारिक तौर पर मिली जानकारी के मुताबिक दोनों दलों को अब तक कोई आमंत्रण पत्र नहीं दिया गया था। तंज भरे अंदाज में चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दी बधाई। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार से बगावत करने वाले चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार के एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी को फिर से मुख्यमंत्री बनने की बधाई। आशा करता हूं सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसके साथ ही चिराग ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हुए तुरंत अगला ट्वीट किया। चिराग ने लिखा, 4 लाख बिहारियों द्वारा बनाया गया बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट आपको भेज रहा हूं, ताकि उसमें से जो कार्य आप पूरा कर सके वो कर दे।
चुनाव के वक्त राहुल गांधी के पिकनिक मनाने के बात पर कांग्रेस ने दिया जवाब। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और राजद अब एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, खासकर तब से जब से राजद नेता शिवानंद तिवारी ने हाल ही में कहा था कि बिहार चुनाव के दौरान राहुल गांधी पिकनिक मनाने में व्यस्त थे, जिस पर अब कांग्रेस ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि तिवारी राजद के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है, उनकी भाजपा और जदयू से मिलीभगत है, तभी उनकी भाषा बोलते नजर आ रहे हैं। तेजस्वी जी से निवेदन है कि वो ऐसे नेताओं पर लगाम लगाए। शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल हुए तेजस्वी। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने बीते दिन सातवीं बार शपथ ग्रहण की है, जिसके बाद लगभग 4:30 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करवाया गया था। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। राजद की तरफ से आई जानकारी के अनुसार तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा नहीं बने। हालांकि अभी तक यह साफ नहीं किया गया है कि तेजस्वी यादव शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा क्यों नहीं बने, लेकिन यह बात लगभग तय थी कि तेजस्वी इस आयोजन से दूर रहने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव समेत विपक्ष के अन्य नेताओं को भी आमंत्रण दे दिया गया था। सीएम आवास के बाहर कुर्मी समाज ने होर्डिंग लगाकर नीतीश कुमार को दी बधाई। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कमान संभाल ली है। वहीं बधाई देने वालों की कतार भी देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर भी कुर्मी समाज ने अलग अंदाज में नीतीश कुमार को बधाई दी है, जिसके तहत कुर्मी समाज ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर होर्डिंग लगाकर नीतीश कुमार को बधाई दी है। सीएम आवास के बाहर लगे बड़े बैनर में नीतीश कुमार की एक बड़ी तस्वीर लगाई गई है। कुर्मी फाउंडेशन ने नीतीश कुमार के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा है कि बिहार पिछले 15 सालों में लगातार विकास की सीढ़ियां चढ़ा है और आगे भी बढ़ता रहेगा। मुख्यमंत्री बनने पर गिरिराज सिंह ने दी नीतीश कुमार को बधाई। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर लिया है। वहीं उनके शपथ ग्रहण के बाद बधाई देने वालों का तांता लग गया है, जिसके तहत ही केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी उन्हें बधाई दी है, जहां उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने एक नया इतिहास रचने का काम किया है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार की जनता ने एनडीए पर जो भरोसा जताया है, उस पर सरकार काम जरूर करेगी। गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए सरकार के सामने नई चुनौतियां हैं। युवाओं की समस्या से लेकर सामाजिक समरसता को रखना एक बड़ी चुनौती है। यशवंत सिन्हा ने नीतीश कुमार को लेकर दिया बयान। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण कर लिया है और एक बार फिर से बिहार की कमान संभाल ली है। वहीं अब उनके मुख्यमंत्री बनते ही बयानबाजियों का सिलसिला भी तेज हो गया है, जिसके तहत पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार इस बार खाली नाम के मुख्यमंत्री है। उन्होंने आगे लिखा है कि भाजपा अपने दोस्त हो या दुश्मन, उन्हें तब तक निचोड़ती है जब तक वो बेजान ना हो जाए। नीतीश कुमार इसका ताजा उदाहरण है, जो सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री बनने के तैयार है। स्पीकर के पद पर रहेगा भाजपा का कब्जा। विधानसभा अध्यक्ष का पद इस बार भाजपा के खाते में आया है, जिसके बाद लगभग नंदकिशोर यादव को अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना तय माना जा रहा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में एनडीए के पास सरकार गठन के लिए जरूरी 122 विधायकों से मात्र 3 विधायक ही ज्यादा है। इस लिहाज से भविष्य में सरकार की स्थिरता को देखते हुए स्पीकर की भूमिका अहम रहने वाली है। सरकार में सीनियर पार्टनर भाजपा स्पीकर जैसे अहम पद को अपने पास रखना चाहती है और किसी मंझे हुए नेता को स्पीकर का पद देना चाहती है। इसी को देखते हुए नंदकिशोर यादव को स्पीकर की जिम्मेदारी संभालने के लिए दी जा सकती है। व्हाट्सएप में इसी हफ्ते से जुड़ जाएगा नया फीचर। वर्तमान समय में व्हाट्सएप दुनिया में सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप में से एक है। पिछले कुछ हफ्ते में व्हाट्सएप ने अपने प्लेटफॉर्म में नई सुविधाएं जोड़ी है, जिसके तहत नया स्टोरेज ऑप्शंस और नया इमोजी पैक समेत कई नए फीचर्स को जोड़ा गया है, जिसके बाद अब इसी सप्ताह व्हाट्सएप में आने वाली सुविधाओं की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि आने वाले दिनों में मैसेजिंग ऐप में कौन कौन से फीचर्स उपलब्ध होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस हफ्ते व्हाट्सएप में डिसअपीयरिंग मैसेज, शॉपिंग बटन और एडवांस्ड वॉलपेपर पर को रोल किया जाएगा। आराध्या बच्चन का भजन गाता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर कर रहा है ट्रेंड। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से ट्रेंड कर रहा है, जिसमें आराध्या भजन गाती नजर आ रही हैं। आपको बता दें, आराध्या का यह वीडियो उनके जन्मदिन के अवसर पर शेयर किया गया है, जिसमें वो रामसिया का भजन गाती हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, वो साथ में डांस करती भी दिखाई दे रही है। सोशल मीडिया पर भी फैंस आराध्या बच्चन को बर्थडे की बधाई दे रहे हैं। फैंस के लिए आराध्या बच्चन का यह वीडियो एक परफेक्ट ट्रीट है, यह वीडियो एक फैन ने शेयर किया है। शॉन पोलक
ने चुने आईपीएल 2020 के पांच बेहतरीन गेंदबाज। साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर शॉन पोलाक ने आईपीएल के पांच बेहतरीन गेंदबाजों को चुन लिया है, जिसके तहत उन्होंने जारी किए गए सूची में सबसे पहले राशिद खान को रखा है। राशिद ने इस सीजन में 16 मैच में 20 विकेट लिया है। पोलाक ने अपनी लिस्ट में दूसरे नंबर पर भारत के स्पिन गेंदबाज यजुवेंद्र चहल को शामिल किया है। चहल ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलते हुए 15 मैच में 21 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। वहीं उन्होंने तीसरे नंबर पर जोफ्रा आर्चर का नाम दिया है। आर्चर ने सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हुए 14 मैच में 20 विकेट चटकाए हैं। पोलाक ने अपनी बेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में चौथे नंबर पर भारत के जसप्रीत बुमराह को जगह दी है। बुमराह ने इस सीजन मुंबई इंडियंस की तरफ से लाजवाब प्रदर्शन करते हुए 15 मैच में 27 विकेट अपने नाम दर्ज किए हैं। इसके साथ ही पोलाक पांचवें गेंदबाज के रूप में ट्रेंट बोल्ट और कगिसो रबाडा के बीच फैसला करने में नाकाम रहे और उन्होंने इन दोनों को ही पांचवें नंबर पर रखा है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 16 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,750 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,750 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 63,610 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.82 रुपए प्रति लीटर थी। वहीं डीजल 76.19 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट के दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है विकास कुमार, प्रमोद यादव, रमन कुमार, अनीश कुमार सिंह, शोएब अख्तर ऑफिशियल, शिवा यादव, अभिमन्यु कुमार, राजेंद्र प्रसाद सिंह, आरके कुशवाहा, अजय कुमार, कुंदन कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, बिहार में अब तक के सबसे प्रभावशाली नेता आपके अनुसार कौन रहे हैं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना है। अगर आप ये वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप ये वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।